कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आज आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। और ज्योति जैन का आप सबको नमस्ते, जय जिनेन। और फ्रेंड्स, आज आपने देखा था मैंने सुबह क्या क्या बनाया नाश्ते में। आज मैंने अलग से कोई सूखी सब्जी वगैरह नहीं बनाई, मैंने मूंग पालक बनाया और चटनी बनाई और साथ के साथ उसके संग फुलके और परांठे भी सेक लिए थे फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है दोपहर के बाद। तो मैं सोची थी थोड़ा दोपहर तक का खाना वगैरह जल्दी से बना लूं, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए, सफाई करी, कपड़े ऊपर छत पे जाके सुखा के आई, फिर मैंने अपना सिर धोया फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह आजकल मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। सुबह के टाइम उठती हूँ तो बस ये लगता है कि फटाफट जल्दी से अपना सारा काम निपटा के किचन में जाके बाकी का काम निपटा लूँ। उसके बाद ऐसा नहीं है सुबह नहा के ही मैं किचन में जाती हूँ, लेकिन सिर धोने का टाइम नहीं मिल पा रहा। उसके बाद मैंने सिर धोया और अब जाके बैठी हूँ, तो सोचा मैं आपसे आराम करने से पहले मिल लूँ फेस टू फेस, क्योंकि सुबह आपसे सबसे पहले बात नहीं हो पाती। अब मेरे 12:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद मैं उठूँगी, तब अपने हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड्स डांस की प्रैक्टिस चल रही है हमारी। फ्रेंड्स मैं डांस सीखने आई थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर आज डांस की क्लास के लिए जाऊंगी, तो प्रैक्टिस करके घर के लिए जा रही हूँ मैं वापस। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना, अंदर थोड़ा अलाउड नहीं था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, अंधेरा हो रहा है देखिए इस जगह पे। अब मैं घर जा रही हूँ, उसमें डांस के उसमें गई थी सीखने के लिए। 3 घंटे की क्लास थी और यहीं पास में थी, मेरी फ्रेंड ने कहा था 3 घंटे की क्लास ज्वाइन कर लेना, उसमें डांस एक गाने पे डांस सिखाया जाएगा। तो मैंने आपको कल बताया था, तो 2-4 दिन पहले मेरी फ्रेंड ने बता दिया था, तो मैं उसमें चली गई थी। ज़्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 5-6 लोग थे और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में थे, आपस में बहुत अच्छी दूरी बनाई हुई थी उन लोगों ने, सैनिटाइजर वगैरह सब किया हुआ था, पूरी सेफ्टी थी। तो हम लोगों ने उसमें गाना सिखाया था, उन्होंने एक गाने पे वो गाना है ना, तू ही मेरा यार है ओमकना ओमकना, उस गाने पे हमने डांस की प्रैक्टिस करी। उसमें कुछ तो आया मुझे, कुछ नहीं आया, लेकिन कभी मैं आपको उस गाने पे डांस करके दिखाऊंगी। और मैंने वहाँ आपको थोड़ी सी आपको दिखाई थी मैंने वहाँ का, लेकिन ज़्यादा इसलिए लिया था कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था बराबर, बार बार वो प्रैक्टिस में लग रहे थे, सिर्फ 1-2 मिनट का ब्रेक मिल रहा था, उस ब्रेक में ही मैंने आपसे थोड़ी बात की थी। अब और फिर आते वक्त भी मैंने आपसे बात करी, थोड़ा सा मार्केट भी दिखाया आपको। आज मैं गई थी सुबह, ज़्यादा कुछ आज मेरा घर का अच्छी तरीके से ब्लॉक नहीं हो पाया था, क्योंकि आज मैंने बताया आपको जल्दी में थी इसलिए मैं चली गई थी। अब मैं आके बैठी हूँ, मैं थकी हुई हूँ थोड़ी। देखा आपने, मम्मी पूजा कर रही है मेरी और बेटी टीवी देख रही है, मस्त है, मेरी रसोई फैली पड़ी है। अब मुझे अपना घर का काम भी करना है, मैं थक भी गई हूँ और थक भी इस कदर गई हूँ कि पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोची हूँ आज जितनी देर का भी मेरा ब्लॉग बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, तो मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मुझे मालूम है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया आपको, कपड़े ऊपर सुखाया ही थी जब भी नहीं लेके गई थी, उसके बाद मेरा बेटा कपड़े ले आया है
अब फ्रेंड्स मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। अब आप मुझे बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और कभी मुझे मौका मिला तो जो मैं सीख रही हूँ वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। लेकिन एक शर्त पे, आप मुझे बराबर कमेंट्स कीजिए, बराबर मेरी वीडियो को, ब्लॉग को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो मैं आगे आपसे बात कंटिन्यू रखूँगी। मुझे तभी तो पता चलेगा आप लोग मुझे पसंद करते हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग हैं वो भी मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस मैं अपना वीडियो ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ज्योति जैन की आप सबको नमस्ते, बाय बाय, जय जिनेंद्र।